आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 12 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेसिस्टर्स एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द 12 ओम रेसिस्टर। हमें क्या कह रहा है कि जो पिछला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उसमें जो सर्किट हमने बनाया था उसको फिर से आप ड्रॉ करो और उसमें आप एक एमीटर लगा दो। ठीक है, ये एमीटर क्या करेगा, ये एमीटर जो है वो मेजर करेगा करंट थ्रू द रेसिस्टर्स, मतलब कि उस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी उसकी वैल्यू को मेजर करेगा। और उसके साथ एक वोल्ट मीटर भी हमें लगाना है और इस वोल्ट मीटर को एक्चुअली में हमें 12 ओम के अक्रॉस लगाना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो मेजर करें, तो वो वोल्ट मीटर वहाँ पे हम लोग को लगाना होगा। अब हमें आगे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर, तो हमें बतानी है कि रीडिंग कितनी होगी एमीटर की और वोल्ट मीटर की। तो हमें अल्टीमेटली ये बताना है कि करंट कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है और फिर 12 ओम रेसिस्टर के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो पिछले क्वेश्चन की सर्किट क्या थी, तो ये हमारी ये थी, एक रेसिस्टर था 5 ओम का, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टर था 8 ओम का और फिर यहाँ पे एक रेसिस्टर था 12 ओम का। इसके साथ एक हमने यहाँ पे की लगाया था और की के साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट की थी जिसमें हमारे पास 3 सेल्स थे और तीनों सेल्स की जो ईएमएफ थी वो 22 वोल्ट थी। तो ये जो टोटल ईएमएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें एक एमीटर कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, अब ये एमीटर हुआ और फिर 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है हमें, तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इस पूरे सर्किट में करंट कुछ फ्लो करेगा, तो मैं उस करंट की वैल्यू को आई मानता हूँ। तो अब देख सकते हो कि आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन तीनों रेसिस्टर का इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा इस सर्किट का वो हो जाएगा 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, तीनों का सम कर रहे हैं। क्यों सम किए, क्योंकि ये तीनों रेसिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 12 यानी कि 25 ओम हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। तो अब हम लोग ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, आर की जगह पे आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमारी I की वैल्यू जो है वो आ जाएगी V बाई R इक्विवेलेंट, और V जो है वो हमारा 6 वोल्ट दिया हुआ है और R इक्विवेलेंट 25 ओम, तो हमारा 6 बाई 25 जो है वो एम्पियर में करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें एक चीज तो पता चल गई कि इस एमीटर की रीडिंग जो है वो कितनी होगी, 6 बाई 25 एम्पियर, ये रीडिंग हो जाएगी एमीटर की। अब हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, तो वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्टेड है, इस रेसिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। ठीक है, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं V12 नाम दे देता हूँ, V12 मतलब कि 12 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V12 इज इक्वल टू I इंटू 12 ओम। ऐसा क्यों, क्योंकि करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इस 12 ओम के रेसिस्टर से, जो ये I की वैल्यू है वही फ्लो कर रही होगी और ये रेसिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम है, तो इन दोनों को I इंटू R करेंगे तो हमें वोल्टेज मिलेगा और जो वोल्टेज मिलेगा वो किसके अक्रॉस मिलेगा, 12 ओम के अक्रॉस, क्योंकि रेसिस्टेंस हम लोग 12 ओम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 बाई 25 एम्पियर इंटू 12 ओम,
और ये वैल्यू हो जाएगी इनफैक्ट 72/25 volts. तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर वोल्ट मीटर की रीडिंग. और एमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी? 6.26/25 एम्पियर.